आखिर कब तक बच पाएंगे ब्रजभूषण? चारों तरफ से पहलवानों को समर्थन, छेड़छाड़, बैटर समेत ब्रजभूषण पर 10 आरोप। खिलाड़ियों पर यौन संबंध बनाने का दबाव, देश की पहलवान बेटियां महीने भर से इंसाफ मांग रही हैं। वो बेटियां जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, लेकिन वो बेटियां अपने साथ हुए अपराध को लेकर कभी दिल्ली के जंतर मंतर तो कभी हरिद्वार जाकर अपने लिए आवाज उठा रही हैं। देश के कई विपक्षी दलों, किसान संघ समेत अब 1983 के विश्व विजेता क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के समर्थन भी इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों FIR सामने आ गई हैं। FIR में ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का आरोप भी लगाया गया है। खिलाड़ियों ने कहा है कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। महिला पहलवानों के आरोप, आरोप नंबर एक, रेस्तरा में मेज पर बुलाया, टच किया। आरोप नंबर दो, फेडरेशन के दफ्तर में कंधे, हथेली छुए। आरोप नंबर तीन, अपने पैर से मेरे पैर को टच किया। आरोप नंबर चार, सांसों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया। आरोप नंबर पांच, चटाई पर लेटी थी तो टी शर्ट खींची। आरोप नंबर छह, फेडरेशन ऑफिस में जबरन खींचा। आरोप नंबर सात, जबरन गले लगाया, रिश्वत की पेशकश की। आरोप नंबर आठ, सांस की जांच के बहाने टच किया। आरोप नंबर नौ, लाइन में सबसे पीछे थी, गलत तरीके से छुआ। आरोप नंबर दस, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा। ब्रजभूषण पर किन धाराओं में आरोप? धारा 354, लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग। धारा 354 ए, यौन उत्पीड़न। धारा 354 डी, पीछा करना। पॉस्को अधिनियम की धारा 10 डी। एक पहलवान ने शिकायत में कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान ब्रजभूषण चरण सिंह ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे गलत तरीके से टच किया, इस दौरान छाती से पेट तक छुआ। पहलवान ने कहा इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेलियों को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया। एक अन्य पहलवान ने कहा कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में कहा गया है कि ब्रजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया। एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी, मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया, कमरे में मुझे जबरन खींचा गया। खिलाड़ी को माता पिता से बात करने के लिए कहा गया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया। एक शिकायत में कहा गया कि ब्रजभूषण ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा। मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ, मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधों को पकड़ लिया, तस्वीर के बहाने कंधों पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया फिर भी नहीं हटाया। दूसरी FIR नाबालिग के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कसकर पकड़ लिया, इस दौरान उसके कंधों को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया, खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता ने कहा है कि वो टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेगा। इस पर पीड़िता ने साफ कर दिया कि अपने दम पर यहां पहुंची है और आगे भी जाएगी, वो इसका पीछा ना करे। एक के बाद एक खिलाड़ी पहलवानों के मामलों में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब BJP ने भी अपने सांसद को जबान संभालने की नसीहत दे डाली है और दूसरी तरफ खाप पंचायत ने 9 जून का अल्टीमेटम दे दिया है।